ये जो फंक्शन किए मेरे तरफ से उनको मैं अभिनंदन देता हूँ। ये समाज में चलते रहना चाहिए, क्यों बोलते ये सब समाज संगठन होते, क्या हो रहा है क्या नहीं सभी मालूम हो जाता। अब कुरान बोलते क्या, प्रवचन क्या, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो खाई बोले कौन से की कास्ट के नहीं, सभी लोग हैं अल्लाह एक ही है, उसके बारे में जो बताए मैं सभी को मैं अभिनंदन देता हूँ। मेरे को तो उन्होंने बोले थे आप 14-15 कभी भी ओपन कर, मैं बोला आज ही जाएंगे वो कर, मैं आज ही मैं आया 13 तारीख को, कुछ लोग कुछ काम होंगे लेकिन आज भी मैं इतना प्रोग्राम देखा, मैं पार्टी के जो भी फंक्शंस होते हैं लेकिन इतने लोग कभी जमा नहीं हो गया। क्या जी अध्यक्ष महोदय, आज नीलकंठ राव हमारे अध्यक्ष महोदय है, आज खाली तुम एडवर्टाइजमेंट से ये जो कुरान प्रवचन है बोले तो इतना लोग जमा हो गए, मैं आने होकर देखे हमारे अध्यक्ष महोदय थे अफसर में, खाली एक कास्ट के लोग नहीं हर कास्ट के लोग यहाँ पर जमा हुए। जब स्टेज के ऊपर भी हम बैठे खाली माइनॉरिटी खाली मुस्लिम भाई नहीं, हर कास्ट के लोग यहाँ पर बैठे, तो इसलिए क्या बोलता सबको लेकर जाना, उन्हें एक ही बात बोले अल्लाह एक ही है, हम अलग अलग हम कर लेते हैं हम नाम से उसका कोई ये नहीं, सब लोग मिलकर ये करना है। बसवणा जी 12वां शतमान में बोले थे दो ही है, एक औरत और एक मर्द, दो ही जात है, उसमें कोई दूसरा जात नहीं होकर, अब उसके ऊपर चलना है, उसको छोड़कर जो राजनीति है इलेक्शन आते ही वो ये तो चलते रहता। यहाँ पर बहुत बड़ा चर्चा हो गया करप्शन कलेक्शन इसके बारे में, सेलेक्शन हमारे केशव पंडा बोल रहे ना, ये सभी के बारे में चर्चा हो गया। ये चर्चा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये खाली बसवण का कर्मभूमि बसव कल्याण से चालू हुए तो नहीं होता, लेकिन एक बसव कल्याण कर्मभूमि है बसव कल्याण का, उन्होंने बोलने के मैं बोल दूँ मैं ऐसे चालू होना जरूरी है, लेकिन इसको सब लोग मिलकर, अब लोग हम यहाँ पर आए, अब बसवणा के बारे में मैं ही बोला, कुरान के बारे में उन्होंने बोले, सबके बारे में सब बोल रहे लेकिन चल रहे कौन, मेरे को पकड़ कर कोई नहीं चल रहे उसके ऊपर, आदर्श जो बसवणा जी 12वां शतमान में जो बोले उसके ऊपर कोई नहीं चल रहे, ये नहीं अध्यक्ष तो जब हम चले वही जब काम को आ जाएगा, ये करप्शन ठहरेगा सब कुछ ठहरेगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಇದೇ December 13, 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ.